करंट अफेयर्स हेडलाइंस। रॉजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। फ्रांस की इरिस मिटेनायरे मिस यूनिवर्स बनी। राष्ट्रपति ने बनवारी लाल पुरोहित को राज्यपाल नियुक्त किया। सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब जीता। डॉक्टर विजय भाटकर नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर नियुक्त। उत्तर प्रदेश के मनवीर बिग बॉस सीजन 10 के विजेता बने। अमूल्य पटनायक दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश की। करंट अफेयर्स विस्तार से। रॉजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। रॉजर फेडरर ने रफाल नडाल को हराते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। यह रॉजर फेडरर का 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। फेडरर ने 5 वर्ष बाद ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। फ्रांस की इरिस मिटेनायरे मिस यूनिवर्स बनी। फ्रांस की 23 वर्षीय इरिस मिटेनायरे मिस यूनिवर्स चयनित की गई। वे मिस फ्रांस भी रह चुकी हैं। उन्होंने अपनी सुंदरता, आत्मविश्वास और बुद्धिमता से सबसे अधिक अंक हासिल किए। इस प्रतियोगिता में 86 देशों की विश्व सुंदरियों ने भाग लिया था, जिसमें भारत की ओर से रश्मिता हरिमूर्ति शामिल थी। राष्ट्रपति ने बनवारी लाल पुरोहित को राज्यपाल नियुक्त किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बनवारी लाल पुरोहित को मेघालय का राज्यपाल बनाया। यह पद मेघालय के राज्यपाल वी षणमुगनाथम द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद रिक्त हुआ था। विभिन्न आरोपों के चलते मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल वी षणमुगनाथन को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब जीता। अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने वीनस विलियम्स को हराकर खिताब जीता। उन्होंने अपनी बड़ी बहन वीनस विलियम्स को सीधे सेटों 6-4, 6-4 से हराकर यह खिताब जीता। उनका यह 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब था, जो विश्व में सबसे अधिक है। डॉक्टर विजय भाटकर नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर नियुक्त। डॉक्टर विजय भाटकर की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा अगले 3 वर्ष के लिए की गई। इस विश्वविद्यालय के तीसरे कुलपति होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के गवर्निंग बोर्ड ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से डॉक्टर भाटकर के नाम की सिफारिश की थी। उत्तर प्रदेश के मनवीर बिग बॉस सीजन 10 के विजेता बने। बिग बॉस सीजन 10 के परिणामों में किसान मनवीर को विजेता घोषित किया गया। मनवीर ने इंडिया वाले ग्रुप की ओर से बिग बॉस सीजन 10 में भाग लिया था। विजय बानी रनर अप रही। बिग बॉस में पहली बार आम जनता को सेलिब्रिटी रियलिटी शो का हिस्सा बनने का मौका मिला। अमूल्य पटनायक दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त। अमूल्य पटनायक आलोक वर्मा का स्थान लेंगे। वे 1985 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। अमूल्य पटनायक अब तक विशेष आयुक्त जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर कार्यरत थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश की। आर्थिक बजट 2017-18 से एक दिन पूर्व आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश की गई। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 6.75 से 7.5% की दर से आर्थिक वृद्धि का अनुमान जताया गया है। वैश्विक स्तर पर मांग में उछाल से वित्त वर्ष 2017-18 में तेज आर्थिक वृद्धि होगी। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।